मधुबाला, जिसके नाम में ही मिठास थी, जिस वैलेंटाइन डे को दुनिया मोहब्बत के दिन पर मनाती है, उसी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था मधुबाला का। लेकिन बॉलीवुड की ये वीनस असल जिंदगी में सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। रुपहले पर्दे पर इस अनारकली ने चाहे तो कलिया, लेकिन नसीब में उनके शायद कांटे ही कांटे लिखे थे। एक बार मोहब्बत करता है, चौदह फरवरी 1935 वैलेंटाइन डे के दिन ही मधुबाला की पैदाइश हुई। लेकिन अफसोस, मोहब्बत के दिन पैदा होने वाली मधुबाला की मोहब्बत की तलाश कभी पूरी ना हो सकी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। मधुबाला अदाओं की मलिका, बॉलीवुड की वीनस, खूबसूरती की जीती जागती मूरत। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पांव की खाक को सर का ताज ना बनाए, वो बन चुका नर। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मधुबाला की पैदाइश दिल्ली के एक गरीब पठान परिवार में मुमताज जहां के यहां हुई। महज 9 साल की उम्र में मुंबई आना, अपने पिता अताउल्ला खान के साथ स्टूडियो के चक्कर लगाना और पहली फिल्म बसंत में ब्रेक मिलना। ऊंचे महलिये हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां हमको है प्यारी हमारी गलियां। इस फिल्म में देविका रानी ने मुमताज जहां को नाम दिया मधुबाला। और फिर 14 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म की नीलकमल, जिसमें हीरो थे राज कपूर। फिल्म नीलकमल के डायरेक्टर केदार शर्मा मधुबाला की मोहब्बत में कैद हो गए। मधुबाला को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें एक से बढ़कर एक चाहने वाले मिल जाएंगे, इसलिए मधुबाला ने बड़ी चालाकी से केदार शर्मा को मोहब्बत का इजहार तो करने दिया, लेकिन इकरार कभी नहीं किया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में जुड़ते गए इश्क के कई अफसाने जो खत्म हुए दर्द, तकलीफ और मौत में। बचपन में मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी बेटी को ज्योतिषी को दिखाया तो उन्होंने कहा था, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत नाम कमाएगी, दौलत शोहरत इसके कदमों में होगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी जिंदगी हमेशा गमों में डूबी रहेगी। शादी तो होगी पर प्यार नहीं मिलेगा, हाँ कम उम्र में मौत मिलेगी। और आखिर 36 बरस के गमों का वो ऐसा पहाड़ था, जब टूटा तो वो मौत बनकर आई।